प्रज्ञा ठाकुर को भोपाल की जनता कभी दिल से माफ नहीं कर पाएगी। बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर, आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। ये बहुत ही सराहनीय है हमारे स्पीकर साहब की, उनके उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया। संसद के बाहर सफाई करते हुए ये लोग भी आपकी तरह ही सांसद हैं। जनता ने इन्हें बेशक ये सोचकर तो संसद नहीं पहुंचाया था कि उनके नेता वहां सफाई करें, झाड़ू लगाएं, लेकिन लोगों ने अपने सांसदों को ऐसा करते देख तारीफ की, क्योंकि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान का हिस्सा था। कमाल है, पीएम चला रहे हैं स्वच्छ भारत अभियान और आप कह रही हैं कि नाली और शौचालय साफ करना करवाना आपका काम नहीं है। आप ऐसा सांसद चाहते हैं क्या? नहीं ना, तो नाली साफ करवाने के लिए नहीं बने, ठीक है ना? हम आपका शौचालय साफ करने के लिए बिल्कुल नहीं बनाए गए। हम जिस काम के लिए बनाए गए हैं वो काम हम ईमानदारी से करेंगे। ये हमारा पहले भी कहना था, आज भी कहना है और करना है और आगे भी करेंगे। बस जानकारी के लिए बता दूं, स्वच्छता रैंकिंग में भोपाल पिछले दो बार से लगातार सेकंड पोजीशन हासिल कर रहा है। इस बार वो ओवरऑल रैंकिंग में लुढ़क कर 19वें पोजीशन पर पहुंच गया है। आप भोपाल के सांसद हैं, अभी भी वक्त है, संभल जाइए, कहीं आपके शहर को मिला सबसे साफ राजधानी का सम्मान भी ना छिन जाए। और अगर जनता इलाके में साफ सफाई की कमी अपने सांसद से बताती है तो इसमें क्या बुराई है? क्या आपने सांसद बनने से पहले चुनाव प्रचार में बताया था कि आपसे किस किस काम के लिए संपर्क करना है और किस काम के लिए नहीं? अगर यह डिस्क्लेमर नहीं दिया था तो चुनाव जीतने के बाद शर्तें क्यों लगा रही हैं? ये तो चीटिंग है ना, चीटिंग। आपने कहा कि आप सफाई करवाने के लिए नहीं बनी हैं, फिर हम ये जरूर जानना चाहेंगे कि आपके ईमानदारी से किए जाने वाले काम की लिस्ट में क्या क्या शामिल है। राष्ट्रपिता और हाँ स्वच्छता के पुजारी महात्मा गांधी के हत्यारे का महिमा मंडन करने के लिए जनता ने आपको चुना है, या करकरे जैसे शहीद की शहादत को बदनाम करने के लिए जनता ने आपको चुना है, विवाद उपजाने वाले बयान देने और फिर माफी मांगने के लिए आपको जनता ने चुना है? आपको याद है ना, पीएम ने कह रखा है कि आपको वो मन से दिल से कभी माफ नहीं कर पाएंगे। राष्ट्रपिता के हत्यारे नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताने पर पार्टी ने आपके खिलाफ क्या एक्शन लिया पता नहीं, लेकिन इतना जान लीजिए इसके लिए देश की जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। हमें ये भी नहीं मालूम कि आपकी पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आपके इस बयान के बाद आपको दिल्ली में पार्टी हेडक्वार्टर बुलाकर क्या कहा, लेकिन आप ऐसे काम करती ही क्यों हैं कि आपकी पार्टी ही आपको फटकार लगाती है। पब्लिक की तो आप सुन नहीं रही, कम से कम अपनी पार्टी की तो सुन लीजिए।